बेमतलब की इस दुनिया में वही हमारी शान है, किसी शख्स के वजूद की पिता ही पहली पहचान है। ऐसा ही रिश्ता होता है एक पिता और बेटी का, वो लड़ती है झगड़ते हैं मगर उनमें प्यार भी उतना ही होता है। इसीलिए बेटी की शादी के समय सबसे पहले एक पिता की आंखों से पानी छलकता है, जिसे सीने से लगाया, जिसे चलना सिखाया, वही बेटी आज पराई होने का दर्द एक पिता ही बता पाता है। ऐसे ही किस्से और पिता बेटी की कहानी लेकर इस डॉटर्स डे आ रहा है BCN। डॉटर्स डे है और BCN की टीम जो है इस बार थीम चला रही है, जिस दौरान हम लोग पापा और बेटी के जो प्यारे वाले रिश्ते हैं उसकी कुछ कहानियाँ, कुछ खट्टे पिट्टे पल आपके सामने शेयर कर रहे हैं। इसी बीच हमारे साथ अभी है नागपुर की एक बहुत ही जानी मानी ब्रांड, जो हम कह सकते हैं आलीशान, उनके जो रितेश मोदी, इनसे हम बात करेंगे, उनकी बेटी से भी बात करेंगे, कुछ खट्टे मिट्टे पलों के बारे में उनसे जानेंगे। सर मेरा सबसे पहला सवाल तो आपसे यही है कि आज डॉटर्स डे है और कहीं ना कहीं आपकी एक प्यारी सी बेटी है, तो आपका और उनका जो बॉन्ड है उस बारे में जानना चाहूँगी। बेटियाँ तो वैसे भी प्यारी होती हैं, और अब इसके बारे में क्या कहूँ, मतलब लकी हूँ कि ये जो जिस तरह से मतलब जो अभी इन्हें जो पढ़ाई कर रही है, जो अपना नाम रोशन कर रही है, एक प्राउड फील होता है कि मेरी बेटी डॉक्टर बन रही है। और पता ही नहीं चला कि 21 साल कैसे हो गए, इन्हें समय कैसे निकल गया, इतनी छोटी सी बेटी इतनी बड़ी कितनी जल्दी हो गई, ये पता ही नहीं चला। कहीं ना कहीं पापा और बेटी के ना बहुत सारे प्यारे प्यारे मोमेंट्स होते हैं। मैं आपसे कुछ ऐसे ही खट्टे मीठे पलों के बारे में जानना चाहती हूँ, जहाँ कभी आपने आपकी बेटी को डांटा होगा, तो कभी कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको उनकी बहुत पसंद आई होगी। मैं कम डांटता हूँ, वो ज़्यादा डांटती है। ऐसे मत बैठो, ऐसे मत कपड़े पहनो, आपका बॉडी शेप ठीक रखो, जिम जाओ, जॉगिंग करो, वॉकिंग करो, अपने आप पे ध्यान दो, खाना कम खाओ, हर चीज़। यानी मुझे नहीं लगता कि शायद मैंने इसको कभी डांटा हो, हमेशा इसकी तरफ से डांट पड़ती है। अच्छा, कुछ सवाल जो रह गए मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, इनके बारे में जानना चाहती हूँ, कितना आप उनके बारे में जानना चाहते हो, उसके बाद हम उनसे वेरीफाई कर लेंगे कि वो सही है कि नहीं है। तो मेरा सबसे पहला सवाल आपसे ये है कि आपकी बेटी का फेवरेट कलर कौन सा है? इसको सारे कलर फेवरेट हैं, इसको बस आप कपड़े दिला दो, ये कोई चीज़ के लिए मना नहीं करती। वैसे इसको ब्लैक कलर बहुत अच्छा लगता है, इसको शॉर्ट्स पहनने, छोटे कपड़े पहनना, वेस्टर्न स्टाइल में रहना, मतलब इसको, मतलब एक परफेक्ट जो बेटी होती है ना, मैं भी ये चाहता हूँ उसकी जो इच्छाएं हैं, जो वो करना चाहे वो करे, और वो अपने आप को जितना फ्री इन्हें जैसे रखना चाहे वो रख सकती है। इनकी फेवरेट मूवी के बारे में जब हम बात करेंगे तो वो कौन सी है? इसके सारे सॉन्ग्स इंग्लिश में हैं और मूवी इंग्लिश में है, और मैं मतलब इंग्लिश में बहुत कमज़ोर हूँ, तो इसकी और मेरी चॉइस एकदम डिफरेंट है। इसको हिंदी गाने बहुत कम पसंद है, इसको सारे इंग्लिश गाने। मेरे को जस्टिन बीबर के अलावा बाकी और कोई इतने सारे सिंगर्स हैं जो इसको पसंद है मुझे पता नहीं, पर इसकी लिस्ट बहुत लंबी है। और इसके बाद अगर हम उनके फेवरेट फूड की बात करेंगे, ऐसी कोई डिश जो इनको बहुत ज़्यादा पसंद हो उस बारे में? इसको मतलब बाहर खाना बहुत अच्छा लगता है, इसको पनीर बहुत अच्छा लगता है, फूडी है, और मतलब इसको कोई चीज़ ऐसी नहीं है कि किसी चीज़ में ये मतलब मना करे या वो करे, ये बेटी मतलब ऐसा अलग टाइप की है मेरी, मुझे फील भी अच्छा होता है, कोई नखरे नहीं है, कोई कुछ नहीं है, जो सामने रहे वो मतलब खा लेती है, मना नहीं करती, और इसने आज तक कभी ऐसा नहीं कहा कि मुझे ये शूज़ पसंद नहीं है या मुझे ये कपड़े पसंद नहीं है या मुझे ये खाना पसंद नहीं है, तो ज़्यादा बेटर लगता है। ओके, इनकी बेस्ट फ्रेंड का नाम जानना चाहूँगी, क्या आपको उसके बारे में बताएं? इसकी कोई फ्रेंड ही नहीं बन पाती, ये सेल्फ है, क्योंकि इतनी पढ़ाई करती है, ये अपने कमरे में 15-16 घंटे रहती है, और मतलब इसको इतना पैशन है पढ़ाई करने का या अपना नाम कमाने का, यह सोचती है। हाँ, ये पता है कि इसकी जो आगे की विशेष है मुझे पता है, इसको मतलब अकेले अब्रॉड जाना है, घूमना है, और कहती है कि मैं जो भी लूँगी, चाहे वो अपनी गाड़ी लूँ, कार लूँ, या मैं जो भी करूँ वो मैं अपनी कमाई से करूँगी, तो वो मुझे ज़्यादा प्राउड फील करता है। ओके, इनकी फेवरेट डेस्टिनेशन जहाँ पे इन्हें घूमने जाना है, या फिर मतलब विश लिस्ट में इनके सबसे नंबर वन पर है वो? पूरा वर्ल्ड है, प्राग है इसका, प्राग जाने का इसका ड्रीम है, फिर दुबई जाके स्काई डाइविंग करना,
और यूरोप घूमना, पेरिस जाना, लेकिन ये अकेले जाना चाहती है। मैं नहीं, या इसका कोई दोस्त नहीं, इसकी एक दोस्त है आकांक्षा जो कलकत्ता में है, जो मेरी कॉमन फ्रेंड है मौली, उसकी बेटी है, और इन दोनों की बहुत अच्छी दोस्ती है। ये उसके बारे में हमेशा बात करती है। तो इतने सारे सवाल मैंने पूछे, मैं आपसे जानना चाहूँगी कितने सवालों का आपके पापा ने सही जवाब दिया है और कितने गलत थे? उसमें से एक क्वेश्चन का आंसर गलत दिया। मैं फूडी बिल्कुल भी नहीं हूँ और मुझे खाना बाहर का ज़्यादा पसंद नहीं है, मैं होम फूड प्रेफर ज़्यादा करती हूँ। एंड बाकी क्वेश्चन आर एब्सोल्युटली राइट। तो अब मैं बच गया, मैं इसको होटल कम ले जाऊँगा। अच्छा, बहुत बार ऐसा होता है ना कि आपकी बहुत सारी चीज़ों के लिए पापा तैयार नहीं होते होंगे, तो ऐसा कोई इंसिडेंट जो आपको कोई चीज़ डेस्परेटली चाहिए थी बट फिर आपके पापा ने उस चीज़ के लिए अलाउ नहीं किया? नहीं, ऐसा कोई इंसिडेंट है ही नहीं जिसके लिए पापा ने अलाउ नहीं किया। हमेशा। ऐसा कोई इंसिडेंट जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हो, आपके पापा और आपका कोई ऐसा बहुत प्यारा वाला इंसिडेंट, ऐसा एंग्री वाला भी हो सकता है या फिर बहुत फनी वाला इंसिडेंट हो सकता है? ओके, सो हम लोग जब भी फैमिली वेकेशंस पे जाते हैं तो पापा का टेंडेंसी है कि पापा के पास मेरा फ़ोन हमेशा होता है, तो ही इज़ लाइक ऑलवेज कमेंटिंग ऑन एनीथिंग व्हाइल ही इज़ टेकिंग आवर वीडियोस। दैट इज़ द मोस्ट फन पार्ट, हिज कमेंट्री इज वेरी फनी। मैं आपसे जानना चाहूँगी कि हर किसी में कुछ अच्छी चीज़ें होती है, कुछ बुरी चीज़ें होती है, तो आपकी बेटी में कौन सी अच्छी चीज़ है, कौन सी बुरी चीज़ है जो आपको लगती है? उसमें हर चीज़ अच्छी है, कोई बुरी नहीं है। ऐसा नहीं कि मेरी बेटी है इसलिए कहता हूँ, मतलब मैं तो चाहता हूँ कि हर एक की बेटी ऐसी हो और वो प्राउड फील करे, क्योंकि ऐसी बेटी मिलना भी मतलब एक आपका एक लक होना चाहिए। तो वैसे तो बहुत सारी सोसाइटी में मतलब सोच है, रूढ़िवादी सोच है कि कहीं ना कहीं लड़कियों को बोझ माना जाता है, उनको आगे नहीं बढ़ने दिया जाता है, जेंडर इनइक्वालिटी कहीं ना कहीं है। तो आज डॉटर्स डे भी है, इस मौके पर आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि आपकी एक बेटी है और मुझे मतलब ये जानना है कि क्या आप भी वही सोचते हैं कि बेटियाँ बोझ होती है या फिर आपकी सोच सबसे अलग है? ऐसा कुछ नहीं है, ये सब चीज़ें क्या है कि जो कम पढ़े लिखे होते हैं या जिनके माइंड डेवलप नहीं होते हैं, ये सब चीज़ें वही सोचते हैं। सेकंड, मेरे पास तो मेरा एक बेटा और बेटी दोनों हैं, और इवन मेरे घर में तो तीन बेटियां हैं, दो बेटी मेरे छोटे भाई की हैं, तो हमारे यहाँ तो तीन बेटियाँ हैं और एक बेटा है हमारी दोनों फैमिली में। और जितनी मस्ती, जितनी क्यूट बेटियाँ होती हैं, मेरा बेटा भी वैसे बहुत मस्ती खोर है, और बेटा लेकिन थोड़ा सा मतलब लाइफ के लिए फोकस नहीं है, वो हमेशा मस्ती करते रहता है, इंजॉय करता है, जैसे लड़के होते हैं, टिपिकल लड़के टाइप का है बिल्कुल। और लड़कियां जो होती हैं ना, फोकस होती हैं, उन्हें पता होता है कि उनका क्या गोल है, क्या अचीव करना है, तो ये ज़्यादा प्राउड फील करता है कि वो पहले ही उम्र के पहले ही मैच्योर हो जाती हैं, सिंसियर हो जाती हैं, और वो अपने फैमिली के लिए और ख़ुद के नाम के लिए उतनी मेहनत करती हैं, तो मुझे ज़्यादा प्राउड फील होता है। बहुत बार होता है कि हम अपनी जो फीलिंग्स है वो अपनी बेटियों को नहीं बता पाते हैं, बहुत ऐसे इंस्टेंस होते हैं, तो आज डॉटर्स डे का मौका है, आप आपकी बेटी को BCN के थ्रू क्या कहना चाहते हैं? नहीं, मैं तो वैसे भी डायरेक्टली कहता हूँ, ऐसा कुछ नहीं, हम लोगों की फैमिली में चाहे मेरी बेटी हो, मेरी वाइफ हो, हमारे यहाँ तो हम बोल के लड़ लेते हैं, हम चुप रह के नहीं होते। मेरी बेटी भी मुझे कभी भी कोई चीज़ में टोक सकती है, टोकती है। स्पेशल मैसेज तो यही है कि मैं प्राउड फील करूंगा जैसा वो कहती है, मैं उस दिन ने अभी भी वेट कर रहा हूँ कि जब वो अपने नाम पे, अपने मतलब एक डॉक्टर बन के या अपने लेवल पे वो अपने फैमिली का, मेरा और सबका नाम रोशन करे। और मेरा यही उसको एक मैसेज है कि जब वो डॉक्टर बन जाए तो दुनिया पैसे के लिए काम करती है, पैसा तो मैं उसके लिए छोड़ जाऊँगा, वो सिर्फ अपने काम के लिए काम करे, यानी लोगों की हेल्प करे, क्योंकि ये जो ऐसा पेशा है, ये ऐसी चीज़ है कि लाखों हजारों लोगों में एक आदि होता है जो प्रोफेशनल नहीं होता है। मैं यही चाहता हूँ कि वो प्रोफेशनल ना रहे, वो डॉक्टर बनने के बाद उसकी जो मतलब कला है या उसकी जो टैलेंट है उससे लोगों की जान बचे, और उसमें वो पैसा आड़ में ना आए, उसके बीच में ना आए। तो जाना हमने यहाँ पे कि कितना प्यारा इनका बॉन्ड है, और कहीं ना कहीं जितनी भी सारी चीज़ें हैं उनके लिए वो अलाउ करते हैं, अपनी बेटी को प्रोफेशनली साउंड वो कराना चाहते हैं, और जैसी बहुत लोगों की मेंटालिटी होती है शायद इनकी बिल्कुल नहीं है।